सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। तो गाइस सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी होली, नीचे हैप्पी होली लिख दो जिस जिसने ये सुना है। भाई आप लोगों को होली की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, कमेंट्स में हैप्पी होली स्पैम कर दो पूरी तरीके से। एनीवेज भाई, आज की जो वीडियो रहने वाली है अपनी, मैंने ब्रेक पैड्स लगवाए थे सुप्रीम के बहुत दिन पहले, तो अब मैं समझता हूँ कि आज जस्टिस होगा कि मैं आपके सामने एक पूरी वीडियो ले आऊँ डिटेल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे ब्रेक पैड्स हैं, क्या कुछ रिव्यू है एंड सब कुछ मैं बताऊंगा। मंगाए कहाँ से, तो वी मैनी कस्टम से मंगाए, आप लोग भी मंगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। खैर भाई, एंड गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बोर्डमो के बारे में बताना चाहूंगा। तो गाइस बोर्डमो एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप अपनी गाड़ी के लिए कोई भी OEM पार्ट मंगा सकते हैं, बी इट मारुति, महिंद्रा, फोर्ड, कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, आप घर पे बैठे बैठे बोर्डमो से ऑर्डर कर सकते हैं एंड OEM पार्ट्स यानी कि ओरिजिनल पार्ट्स पैन इंडिया में कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा। एनीवेज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कैसे ऑर्डर करना है एंड कैसे आप अपनी गाड़ी के कोई पार्ट मंगा। सो गाइस बोर्डमो से कैसे ऑर्डर करना है तो मैं आपको बताता हूँ। आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर पे इसकी ऐप जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे आप पार्ट नंबर या पार्ट क्वेरी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और इजियर वे होगा कि आप VIN नंबर भी डाल सकते हैं। कार के थ्रू अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आपको कार मेकर डालना होगा, जहाँ पे आपको सारे कार मेकर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं सपोज कीजिए अपनी गाड़ी के बारे में डालता हूँ, तो मारुति आता है यहाँ पे। उसके बाद मॉडल लाइन में मेरे को बलिनो डालना होगा, ईयर में कौन सी ईयर की मेरी गाड़ी है वो डालना होगा एंड मेक श्योर कि आप सब कुछ सही डालें। उसके बाद मॉडिफिकेशन में यहाँ पे आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 देखना होगा। तो अपनी जो है वो टाइप 1 अल्फा है, तो यहाँ पे 1.2 अल्फा टाइप 1 आपको दिख रहा होगा, ये आ जाएगा। उसके बाद सर्च पार्ट्स पे जाएंगे तो आपको जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे, ऊपर जाके है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और याद रहे कि सारे पार्ट्स ओरिजिनल है OEM है। उससे भी एक और दूसरा वे बताता हूँ मैं आपको, सर्च OEM कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको पूरा कैटलॉग मिल जाएगा आपकी गाड़ी का, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको इंजन का कुछ पार्ट चाहिए तो आपको इंजन पे क्लिक करना होगा एंड उसके बाद गैस जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजन से रिलेटेड सारे जो है आपको यहाँ पे पार्ट मिल जाएंगे। दिखाते हैं तो भाई आज अनबॉक्सिंग के लिए पहली बार अपने पास है कैंची। मेरी थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई है, किचन वाली कैंची लाया भी बताएंगी मम्मी इज्जत। अरे वो तो कोई इशू नहीं है भाई। टू हर्ष जॉन है फ्रॉम विवानी कस्टम्स, देख लो ये सब कुछ बढ़िया से एकदम देखना भी चाहिए। खैर ओपन कर देते हैं। कल वाले डब्बे में तो लिखा था, आज वाले डब्बे में तो लिखा भी नहीं है कि क्या चीज़ है। अब देखो भाई कुछ दिन बाद मैं अपनी ना वीडियो बनाऊंगी और पेटेंट ले लूंगी खुद से सीख सीख के, फिर वीडियो बनाऊंगा। बता भाई ये तो ब्लैंक दिख रहा है, खोल के देख लेते हैं। ये क्या हो सकता है बता। ये तो प्लास्टिक की गाड़ियां लग रही है भाई, खेलने वाली प्लास्टिक की गाड़ी। चल खोल के दिखा देता हूँ ये क्या है। ब्रेक पैड। कैसे पता ब्रेक पैड है? क्योंकि इसकी शक्ल उन जैसी है, बस गाड़ी में ऐसा ही कुछ ऐसा है। यहाँ पढ़ा क्या भाई? मम्मा का सब भाई, मैंने नहीं पढ़ा भाई, मम्मा का सब। तो भाई सही बात है, ये है अपने हल्का सुप्रीम के ब्रेक पैड्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, जो मारुति लगा के देती है ना वो होते हैं थोड़े से गंदी क्वालिटी के। अच्छा। बहुत गंदी क्वालिटी के, तो मारुति के जो ब्रेक्स हैं अच्छे से लगते नहीं है। ये जब लग जाते हैं उसके बाद जो गाड़ी है मस्त रुकती है एकदम अच्छा, ऐसे मतलब जैसे ब्रेक मारोगे ना मस्त रुक जाएगी। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरे को गाड़ी अच्छे से चलानी नहीं आती ना, तो एकदम तुरंत ब्रेक मारूंगी। तो भाई अब चलते हैं इनको लगवाने, और मेन जो पूरी फोकस्ड अपनी सेक्सी वाली वीडियो आएगी वो आएगी किस पे, हर्ष व्लॉग्स वाले चैनल पे। दे दे मेरा कैमरा वापस। तो भाई ये है अपने ब्रेक पैड्स, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बेसिकली सुप्रीम के ब्रेक पैड्स हैं, मंगाए हैं हमने वी बयानी कस्टम से। बताया था ना आपको ऑल इन वन जगह है अपने गाड़ी के हर पार्ट के लिए। तो ये रहे अपने सुप्रीम के ब्रेक पैड्स एंड जो अपनी गाड़ी में ऑलरेडी लगे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कुछ हैं। तो चलता हूँ ऑटो मार्केट की तरफ एंड लेट्स सी कितने कुछ रुपए लेंगे और लगवाते हैं इनको। जब तू अनबॉक्सिंग कर रहा था तू कह रहा था इसके बाद हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों? ब्रेक अच्छे मारेंगे ना। अरे ब्रेक अच्छे मारेंगे, अभी एक्सीडेंट ब्रेक की वजह से होता है और क्या, ब्रेक नहीं लगते ढूंढते लोग। मैंने सोचा रास्ते में जो चुनौतियां चलती हैं उनकी वजह से होते हैं। लोग ब्रेक भी तो नहीं मार पाते सही। ये बात भी है। अरे अपनी गाड़ी अंदर क्योंकि ब्रेक पैड बदले जाएंगे एंड लेट्स सी बदलेगा कौन। यहाँ पे अर्नब लेके आ रहा है चला के, और यार जो भी कहो गाड़ी के लुक्स अच्छे लगते हैं अनडाउटेडली। तो भाई मानो ना मानो बट जो अपनी गाड़ी के ब्रेक पैड रहते हैं वो अपनी गाड़ी का एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट रहता है
जो आपकी गाड़ी की भाई मतलब लाइफ लाइन है, क्योंकि अगर ब्रेक ही खराब होंगे तो आपकी गाड़ी कितनी अनसेफ है रोड पे चलते हुए आप लोगों को कितने अच्छे से पता होगा। एनीवेज भाई अब बात करते हैं कि अपनी गाड़ी में कौन से ब्रेक पैड्स ऐसा अपनाव लगे हैं। तो भाई अपनी गाड़ी में जो है सुप्रीम के ब्रेक पैड्स मैंने लगवा रखे हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ इन ब्रेक पैड की, तो बेसिकली सेरेमिक ब्रेक पैड होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक तो ब्रेक डस्ट जो होती है काले कलर के आपने देखा होगा ब्रेक डस्ट निकलती है मोस्टली जब आप गाड़ी धुलवाएंगे तो वो नोटिस में आएगी, वैसे नोटिस में नहीं आती है यूजुअली। तो जो ब्रेक डस्ट है इसमें से बहुत कम निकलती है। दूसरी चीज़ ये घिसते बहुत कम है, जिसका मतलब है कि इनकी लाइफ जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। और अब मैं आपको बताता हूँ भाई कि रोड पे चलते चलते कि कितना कुछ जो है ये ब्रेक पैड्स MGB के जो ब्रेक पैड्स हैं उनसे डिफरेंट हैं, और क्या आपको इन पे अपग्रेड करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा देखो बात है पॉजिटिव की तो नेगेटिव भी होते हैं कुछ ना कुछ, तो एक जो नेगेटिव है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा मे बी हो सकता है नहीं हो सकता। एनीवेज गाइस अभी जो है मैं भाई गाड़ी को एक बार 120-100 पे लेके जाऊंगा, उसके बाद आपको ब्रेक मार के दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं भी बात कर लेता हूँ। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी की बात मैं नहीं करूंगा, बात मैं सीधे करता हूँ ब्रेक की। तो हाँ मारुति के जो ब्रेक्स होते हैं बहुत खराब होते हैं। अब मुझे ये उसके पीछे रीजन नहीं पता कि भाई इसके ब्रेक पैड्स की वजह से खराब होते हैं या जो ब्रेक डिस्क है उसकी वजह से खराब होते हैं। खैर ब्रेक डिस्क में एज ऑफ मुझे कोई डिफरेंस लगा नहीं हुंडई में या इसमें, तो हम चलते हैं ब्रेक पैड्स की तरफ। तो मारुति जो यूज करती है भाई MGB में अपने ब्रेक पैड्स वो रहते हैं TVS के, एंड मैं जो आज अपनी गाड़ी में लगवा रहा हूँ वो है अपने सुप्रीम के। तो डिफरेंस क्या कुछ आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। खैर मैंने जैसे कि आपको दो पॉजिटिव तो ऑलरेडी बताई दी हैं कि भाई गाड़ी जो है एक तो सेरेमिक रहते हैं तो ये घिसते कम है, दूसरी चीज लाइफ ज्यादा हो जाती है घिसते कम है इससे। एंड अब बात करते हैं इसकी बाइट की, तो एक टर्म यूज करी जाती है ब्रेक पैड की बाइट, यानी कि जैसे ही आप प्रेस करोगे तो बाइट कैसी है उसकी, यानी कि ऐसे एकदम से ब्रेक ऐसे कैसे लगेंगे। तो भाई पहले मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ एंड उसके बाद जो है देखो महसूस तो मैं खुद ही कर पाऊंगा, इसमें आप लोग महसूस नहीं कर सकते बिकॉज जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि भाई मैं ब्रेक ऐसे महसूस कर रहा हूँ वैसे महसूस कर रहा हूँ वही आप लोग मानेंगे। खैर जो भी भाई टेस्ट करना चाहता है वो अपनी गाड़ी के लिए मंगवा सकता है, क्योंकि रेट जो है वो MGB के बराबर ही पड़ते हैं। एंड इसके बाद जो प्लान्स हैं अपने ब्रेम्बो में जाने के या फिर दूसरे जो भी ब्रांड्स हैं उनमें जाने के, ये था थोड़ा नीचे वाले वेरिएंट यानी कि नीचे वाला अपना सेगमेंट था वो मैंने कवर करा है, सो दैट मेरे जो भाई मतलब इतने ज़्यादा रुपए नहीं खर्च करना चाहते वो इस पे भी जा सकते हैं। खैर अब मैं आपको चलते चलते दिखाता हूँ कि क्या कुछ जो है बाइट है इसकी और कैसा कुछ जो है रिस्पॉन्ड दे रहा है। खाली हाईवे है तो मेरे हिसाब से दिखाना भी ज़्यादा सही रहेगा। ब्रेक जो है रैश नहीं लगाऊंगा बिकॉज गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है शॉप पे, तो बस मेरे को ये दिखाने की गाड़ी कितनी जल्दी रुक जाती है। या बात करूँगा इसमें अपनी गाड़ी जो है 90 के आसपास है एंड 100 पे ले जाता हूँ एज मैंने बोला कि भाई मैं 100 पे ही टेस्ट करूंगा, तो ये गाड़ी 100 पे जा चुकी है। अब सपोज करिए आगे जो जा रही है अपनी हरियाणा रोडवेज जा रही है और मेरे को एकदम से ब्रेक मारने पड़ेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एकदम से ब्रेक कितने सही लगते हैं। तो गाइस 100 से जो है गाड़ी एकदम से नीचे आ जाती है विदाउट एन इशू। ये तो थे अपने थोड़े से प्यारे तरीके से ब्रेक कि मैंने जो है ब्रेक सलीके से मारे हैं। अब मारता हूँ मैं ब्रेक थोड़े रैश की, इमरजेंसी में भाई अगर गाड़ी रोकनी हो तो ये मैं इसे रोडवे से आगे मारूंगा, हाईवे एकदम खाली है। तो अब हम मारते हैं कि भाई एकदम से इमरजेंसी में गाड़ी अगर रोकनी हो तो उस केस में ये ब्रेक पैड्स कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सेम अगेन जो है भाई अपनी गाड़ी को 100 पे ले जाऊंगा एंड 100 पे ले जाने के बाद वी विल सी कि गाड़ी जो है कैसी कुछ परफॉर्म करते हैं ब्रेक पैड्स। तो सामने जो है मैं वापस एक बार ब्रेक मारने की ट्राई करता हूँ। तो गाइस अगेन मतलब ब्रेक पैड्स की जो पकड़ बोलूंगा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा कि अगर मैं एकदम से खड़े ब्रेक मारता हूँ इंटेंशनली खड़े मारता हूँ तो आप देखें गाड़ी क्यों। तो गाइस एकदम से जो है गाड़ी रुक रही है एंड दिस इज जस्ट ऑसम, मैं बोलूंगा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले बता दिया ब्रेक पैड्स ऐसी चीज़ है जो पर्सनली इंसान खुद ही फेस कर पाएगा, मतलब खुद ही एक्सपीरियंस कर पाएगा, मैं कितना ही बता दूं आपको नहीं होगा। आप बात करते हैं क्योंकि मेरी ये वीडियो और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ एक रिव्यू लेके आऊं इस चीज़ का। तो मैं बता देता हूं कि भाई देखो MGB के जो ब्रेक पैड्स हैं उससे ये ब्रेक पैड अच्छे हैं, शायद आपको डिफरेंस लगे शायद ना लगे, बट हाँ जैसे कि मैंने आपको दो पॉजिटिव्स ऑलरेडी बता दिए, सेरेमिक ब्रेक पैड है, दूसरी चीज़ कि ये घिसते कम है तो ऑब्वियसली बात है कि लाइफ ज़्यादा रहेगी। हाँ मैं बोलता हूँ कि पर्सनली मेरे को जो गाड़ी की बाइट है ब्रेक बाइट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। मान लीजिए अगर पहले मेरी 20 थी तो अब जो गाड़ी है 25-26 आराम से हो चुकी है। तो ये था अपना नीचे वाले सेगमेंट का। एंड मेन चीज़ ये है कि देखो भाई आप जाओगे MGP के लगवाने TVS के एंड जब आपको उसी ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिल रहे हैं
तो वाई नॉट गो विथ दिस, क्योंकि अगर 25-26 भी है, मान लो 20-21 भी होता एंड फिर भी कुछ ना कुछ बेटर मिल रहा है, तो आपको हमेशा नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। खैर अब मैं बताऊँ मेरे को कितने किलोमीटर हो चुके हैं इस ब्रेक पैड्स को चलाते हुए इनको, तो मोर देन भाई मैं बोल रहा हूँ 3000 किलोमीटर के आसपास जो है मैंने चला लिए हैं। एंड अगर आपको याद होगा हर्ष चौहान वाले चैनल पे जो है वीडियो में पहले लेके आया था, तो पूरा चलाया, कई दिनों तक चलाया, हर जगह पे चलाया, छोटे मोटे पहाड़ वहाड़ जहाँ पे हर जगह पे चलाया, तो उसके बाद ही जो है मैं ये रिव्यू लेके आया कि हाँ भाई दीज ब्रेक पैड्स आर फास्ट फ्रॉम माई साइड एंड यू कैन कंसिडर देम। तो आप लोग कर सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। खैर भाई मंगवाए कहाँ से थे, तो मैंने वीवियानी कस्टम से मंगाए थे, आप लोग भी अपनी गाड़ी के लिए मंगवा सकते हैं। भाई के पास फोन करो, वीवियानी भाई के पास, एंड उनसे जो है आप अपनी गाड़ी के लिए ब्रेक पैड्स मंगा लो। तो नेक्स्ट जो है भाई हम लोग अपनी गाड़ी में करने वाले हैं ब्रेम्बो या कोई और ब्रांड, तो वी विल सी कि कैसे कुछ जो है वो ब्रेक पैड्स रहते हैं। साथ ही साथ आप लोग एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि भाई कई ब्रेक पैड्स में से स्मेल आती है, तो इसमें ऐसा स्मेल वेल जैसा कोई इशू है या नहीं है, तो स्मेल वेल जैसा कोई इशू नहीं है। हाँ देखो भाई ब्रेक पैड जो है जब वो घिसते हैं डिस्क के साथ, तो एक पंजेंट स्मेल आना ऑब्वियस है, चाहे कोई भी ब्रेक पैड हो पंजेंट स्मेल आती है उसमें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई कोई भी ब्रेक पैड में से आती नहीं, चाहे वो बड़ी से बड़ी गाड़ी हो वो भी थोड़ी बहुत स्मेल जो है निकालती है, बिकॉज आप हाई स्पीड पर ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक पैड जब घिसते हैं और डिस्क जो है गर्म होती है, तो दोनों की फ्रिक्शन से एक ऐसी स्मेल आती है जो ब्रेक्स की होती है, तो आप घबराइएगा मत इनकेस अगर कभी भी आप गाड़ी चला रहे हैं। बिकॉज मैंने कई बार एक्सप्रेस वे पे 120-130 पे चलाई है, वहाँ पे लगातार अगर आप ब्रेक लगाते रहते हो तो ब्रेक पैड से वो गर्म बहुत हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर भी स्मेल आती है। अच्छा इससे मेरे को याद आया भाई 500 रुपये के ब्रेक पैड आते हैं बॉश के, एंड उन ब्रेक पैड्स में इशू क्या है, 500 रुपये के मात्र वो आ तो जाते हैं और कंफर्टेबल है बलिनो स्विफ्टर के साथ, बट ब्रेक पैड भी ठीक है लगाने में, बट उनमें स्मेल इतनी ज़्यादा आती है कि जैसे ही आप उनको बार बार लगाते रहते हैं तो गाड़ी के अंदर तक स्मेल आती है और ऐसा लगता है कि इंजन में से कुछ जल रहा है। तो हाँ बात करो अपने सुप्रीम के ब्रेक पैड्स की, तो ऐसा अपना कोई इशू नहीं है, तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा हीटर ने घबराने की जरूरत। तो गाड़ी 120 पे सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, और ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है, बट आप डिस्क देखिएगा कि कितनी जल्दी जो है गाड़ी अपनी रुक जाती है, तो हैट्स ऑफ, सही है एज ऑफ नाउ, अभी तक तो सही है। एंड रैंडमली मैंने बना ली कि हाँ भी ब्रेक पैड्स आते हैं तब उस टाइम गाड़ी का रिस्पांस कैसा रहता है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, पास्ट ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, एंड आई होप पसंद आए।